जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास माहात्म्य कथा के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। करुणा निधान गौतम जी कहते हैं, हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला भय कहाँ से हो सकता है। गोकर्ण नाम के मनोवर क्षेत्र में महापातकों का संहार होता है। वहाँ पर बड़े बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से सभी पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निवास है, उसी तरह से गोकर्ण मंडल में भी भगवान शिव का निवास है। वहाँ पर महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा और मृग चरम में वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहीं बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, सनातक, ब्रह्मचारी और तप से समस्त पातकों को जला देने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहाँ पर पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सत्ययुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के थे। त्रेता युग में उनका रंग लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के हैं और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्यान्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुँच कर वहाँ के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिवजी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को पुण्य क्षेत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शिव की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार या बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत चर्चा और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फागुन मास में जो पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्लव पत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ होता है। अहो, माया भी कैसी प्रबल है, जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास, गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ और कौन सी आश्चर्यजनक बात देखी, मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहते हैं, हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी, दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुख सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था। वह अनेक प्रकार से रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव था, उसमें बहुत से कीड़े पड़े हुए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और मैंने उसके मृत्युकाल की प्रतीक्षा करता हुआ क्षण भर में वहीं पर बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों के द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से
आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है, मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय यहाँ आने का जो कष्ट किया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बताइए, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब शिवजी के दूत कहते हैं, हे मुनि, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, इस महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो इस जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में डूबी रही, पापमग्ना, पाप का अनुगम करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिवजी का पूजन नहीं किया, भगवान शंकर का कभी ध्यान भी नहीं किया, सत्संग से सदा दूर रहने वाली है, और इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना तो बड़ा कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। तब मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार से बोले, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति को देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पहले जन्म में कभी अन्नदान नहीं किया, अतः भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह अंधी हुई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडालिनी हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया और उसी पाप से इस जन्म में दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। इस महान पाप के कारण इसके शरीर में ओढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार किसी शूद्र से रमण किया और उसी पाप के कारण इसे महारक्त पीब और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआ आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया और उसी पाप के कारण यह सब प्रकार के भोगों साधनों से रहित होकर इस दुख को पा रही है। पूर्व जन्म में इस स्त्री ने मदिरा पान किया था और उसी पाप से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनिश्रेष्ठ विवेकी महात्मा, यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों के द्वारा पीड़ित हैं, पुत्र और धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले हैं और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित हैं, कुरूप हैं, विद्याहीन हैं, विकल अंगों वाले हैं, कुत्सित भोजन करने वाले हैं, दुर्भाग्यवान हैं, निंदित हैं और दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म के बड़े भारी पाप रहे हैं। इस प्रकार यतन पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता, यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यही मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा और सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर भी जो अपना हित चाहता है वह मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे आज यह भोगने जा रही है और यह सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। गौतम जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया और उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। वह तेज की राशि से उत्पासित हो उठी। उसके बाद शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया और परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित और वह दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर से दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणारविंदों का स्मरण कर रही थी।
उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यजनित होकर यह सब दृश्य देख रहे थे। हे राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेशमात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो सभी पाप राशि का विनाश करने वाला है। तब राजा ने पूछा, हे भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिव लोक का लक्षण बताइए। तब गौतम जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोक में जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ सब लोगों को लांघकर जाना होता है, उसमें दिव्य प्रकाश स्थित है। जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमात्मा शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद आदि विकार निवास नहीं करते, जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, वही परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं भी नहीं है, वही परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहृदय और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम में जाते हैं और सुखी होते हैं। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो। शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो और बिल्लव पत्र के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इसी से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और शिवलोक को प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर मुनिवर गौतम जी प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र से है गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन करके और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं, शिव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो भी कुछ दान, जप या होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है, यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, यदि वही प्रीति भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसीलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वही दोनों हाथ सार्थक हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी के पूजन का दर्शन करते हैं। वह मत्सक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्र में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्य में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, नारी, पुरुष, नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहदारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य और अमंगलों को जीत लेने वाले विश्ववंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने और ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी।
राजा चंद्रसेन के विषय में यह बात सुनकर सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सबने बहुत सी सेना साथ में लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपासना पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसका एक ही पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन के द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का उसने दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देख ली थी, अतः घर आने पर उसने भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मानने लगा। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो भी उसे फूल दिखाई दिए उन सबका संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन करने लगा। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य करने लगा और बारंबार भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाने लगा। इस प्रकार वह अनन्य चित्त से भगवान शिव की आराधना में लगा रहा। भगवान शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, पर उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बुलाने पर भी भोजन करने की उसे इच्छा न हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं गया तब उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सभी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह सब देखकर वह बालक हाय हाय करके रोने लगा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट टपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक हे देवों के देव महादेव, हे देवों के देव महादेव कहता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी के बाद जब उसे चेतना आई तब उसने आंखें खोली तो देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़, सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि की और हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह तब सब देखकर वह अचानक से उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का ही महात्म्य है। उसी पूजा के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मत्सक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा हे देवों के देव, हे उमापति, मेरी माता के अपराध को आप क्षमा कर दें। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे शंकर जी, आप उन पर प्रसन्न होइए। यदि मुझमें आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे आप मेरी माता को दया प्रदान करें। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय हो गया और विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है। उसने अपनी माता को जगाया। वह ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को और अपने घर को अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विहल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर उस ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां गई और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था उन्होंने देखा। स्वर्ण में शिव मंदिर, रतन में शिवलिंग,
सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का वह महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ दो घड़े तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन की उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित और आनंदित हुए। गोपालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और भक्तिपूर्वक उन्हीं में मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है, कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में आठवीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से है गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी के ऐसा कहने पर उस गोप बालक को शिवोपासना के आचार विहार का उपदेश देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी राजा हर्ष में भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही वहां से लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मबंधी ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्तिपूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है और गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।